राधे राधे, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है, अभी टाइम हो रहा होगा 11:30 बज रहे हैं और 11:30 बजे मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है। पूजा वगैरह हो गई और आज ना मैं लेट नहाई हूँ क्योंकि काम कर लिया था मैंने, किचन का ना पहले ही काम कर लिया, क्योंकि आज लगाई थी मैंने आगे आगे ना मेहंदी लगाई थी। और हरी वाली जो मेहंदी होती है ना, थोड़ा सा टाइम लेती है उसे सूखने में, क्योंकि सुबह सुबह लगा ली थी मैंने जल्दी और इतने आगे आगे ऐसे लगाई थी, तो फिर मैंने ब्लॉग शुरू नहीं किया था। मैंने कहा अभी ब्लॉग शुरू नहीं करते हैं अपना, बाद में ही करेंगे, तो मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया आप लोगों से, तो क्योंकि मेहंदी लगा रखी थी आगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये वाले बाल देखो, अब की बार ना थोड़े ठीक हो गए, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था ना, मैंने पुरानी मेहंदी लगा ली थी रखी हुई, तो उससे ना मेरे बालों पे फर्क ही नहीं पड़ा कुछ भी। इस बार फिर भी थोड़े लाल लाल से दिख रहे हैं, लेकिन ये छोटे वाले बाल तो ऐसे ही दूर से भी शाइनिंग से मारते हैं ऐसा लगता है जैसे वाइट कलर के ही हैं। तो बाल थोड़े से सूख गए हैं, मैंने कहा ब्लॉग शुरू करते हैं, अब किचन में चलूँगी। तो किचन में सब्जी वगैरह मैंने बना दी है, सब्जी बना ली मैंने आलू टमाटर की। और अभी मैं गैस पर ना चावल बनने के लिए रख के आई हूँ, क्योंकि मुझे चावल भी बनाने थे थोड़े से, मतलब पसंद भी है मुझे आलू टमाटर की सब्ज़ी से बहुत अच्छे लगते हैं मुझे चावल। और किसको पसंद है बताना आप लोग भी, तो मुझे तो चावल बहुत अच्छे लगते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी से। और चावल बनाए, आलू टमाटर, और बाकी दूध भी अभी रख के आई हूँ, तब नहीं गर्म किया था, अब रख के आई हूँ, तो अब देखूँगी जाके कहीं निकल ना जाए। तो अभी काम करके ही आई हूँ वैसे किचन में से ना, मैंने सोचा मैंने कब थोड़ा सा ब्लॉग शुरू कर देती हूँ अपना, तो शाम तक कंटिन्यू रखती हूँ, तो कुछ ना कुछ मतलब आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर किचन में चलती हूँ, और लाइट चली गई है और दूध ना बच गया मेरा, मैं कमरे में से दूध के लिए ही आई थी, मैंने कहा दूध रख आई हूँ किचन में, कहीं निकल ना जाए क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है दूध का। और मैंने ना तेज़ कर दिया थोड़ा सा, और चावल भी बंद कर दिए मैंने, गैस बंद कर दी है, चावल एक सीटी लगा ली है तो वो भी बन जाएंगे, उसको भी खोल दूँगी सीटी को ना, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है और प्रांशु तो स्कूल से आ भी चुका है वो सुबह जल्दी जाता है ना, तो स्कूल से भी आ चुका है, तो बच्चों को भूख भी लग रही है। अब 11:30 11:45 बज रहे हैं, 11:45 बज रहे हैं देखो, क्योंकि 15 मिनट हो गया मुझे तो देखो दूध गर्म हो रहा है मेरा, और इसको गर्म कर लेते हैं और फिर रोटियां बनाने रह गई हैं बस, तो रोटियां बना लूँगी। और मैंने ना देखो बाल भी ऊपर कर लिए थे, बाल भी ऊपर करके आई हूँ मैं यहाँ पे, मतलब किचन में जब आती हूँ ना तो बाल ऊपर करके आती हूँ, क्योंकि डर लगता है। और हमारा प्रांशु ना वो तो इतना वो है कि अगर उसके सामने कुछ भी ज़रा सा आ जाए ना, अगर जैसे धनिए का वो तिनका भी आ जाता है ना, तो वो खाना छोड़ देता है, फिर बिल्कुल नहीं खाता खाना, क्योंकि उसके पापा की भी ऐसी ही आदत थी, वो भी नहीं खाते थे। और जैसे एक कोई अब किसी से पानी मांगो तो क्या करते हैं, कहीं कहीं क्या होता है ना कि उंगली से डाल के देख लेते हैं कि मतलब गर्म हुआ कि नहीं, इस तरीके से बिल्कुल पानी नहीं पीते कभी भी अगर देख लें तो। मैं तो खैर बहुत सेफ्टी से करती हूँ पहले से ही ना, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें सिखा दी, पता है मिनट मिनट पर हाथ धोना, हाथ धोना तो उन्होंने ही सिखाया मुझे, क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा। और पता है मैं अब किचन में इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है मेरी कि अगर 10 मिनट भी रहूँगी तो उसमें 10 बार मेरे हाथ धुल जाएंगे कुछ ना कुछ ही, कि ये पकड़ लिया तो वो अब मुझे भी ऐसी आदत लग गई है उसकी हाथ वाथ धोने की ना, बहुत आदत हो गई है। और सब्जी मेरी बनी चुकी है, चावल भी बन गए, तो दिखाती हूँ आप लोगों को मेरी सब्जी कैसी बनी है, आप लोगों को दिखाती हूँ। धनिया मैंने कट करके रखा है, धो के ना छान के रखा है उसको, तो उसका पानी निकल जाता है, अब डाल दूँगी उसमें, थोड़ा अभी डालूँगी बाद में डालूँगी। और हाँ धनिया की बात पे याद आया मुझे, धनिया ना प्रांशु को इतना पसंद है, और पहले ना बिल्कुल भी नहीं खाता था, पहले बिल्कुल नहीं खाता था धनिया, उसको क्या लगता था कि ये ना जैसे भैंसों की हरियाई है, भैंस की हरियाई है, तो उसे बिल्कुल नहीं खाता था। फिर मैंने उसे दिख सिखाया कि मतलब ये वो वाली चीज़ नहीं होती है, ये इसको हम खाने में खाते हैं, मतलब
फिर इस तरीके से सिखाया उसको, और अब इतना पसंद है कि जब वो छोटा था ना तो उसको हरियाई बोलता था, मम्मी हरियाई ज़्यादा डालना मेरे खाने में। तो उसे बहुत पसंद है, जैसे पराठे में मतलब बहुत सारा धनिया डाल के आलू के पराठे बनाऊंगी ना, तो बहुत सारा आलू के हों या पनीर के हों, जैसे भी जो भी पराठे हों ना, मैं सब में धनिया डालती हूँ, और मेथी के होते हैं ना तो मेथी के मैं भी डालती हूँ मैं। तो इस तरीके से अब उसे इतना पसंद है धनिया, तो धनिया के बाद पर मुझे याद आ जाती है उसकी प्रांशु की ना, तो अभी भी आप लोगों ने देखा होगा मैं अलग रख लेती हूँ थोड़ा, अरे दूध जा रहा है मेरा ऊपर, इसको बंद कर देते हैं, देखो अभी हो जाता है इसका काम। तो चलिए आप लोगों को सब्जी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सब्जी बन चुकी है, आलू टमाटर की सब्जी है, और इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डालूंगी, और बाकी डालूंगी मैं बाद में, क्योंकि हमारे बाबूजी नहीं खाते धनिया पत्ती, कहते हैं जिसे खाना हो अपने आगे डाल लो। आगे डाल लो, उनका कहना यही होता है। और चावल भी बन चुके हैं मेरे, बहुत अच्छे चावल बन गए एक सीटी में। बाबूजी का यही होता है, उन्हें कुछ भी चीज़ पता है, उनके टेस्ट ना बदलते रहते हैं, कभी तो नमक तेज़ खाना होता है, कभी कम खाना होता है, और फिर उसके बाद में पता है क्या बोलेंगे, अपने आगे डाल लिया करो जैसे खाना है। तो देखिए इधर ये भी बन चुके हैं मेरे। इधर पता है आज ना मैंने अपनी मसालदानी जो है वो भी साफ़ करके रख दी, और इनमें मसाला था थोड़ा, तो ये रह गए चार, इनको ना बाद में साफ़ कर दूंगी, उनमें से पलट के जैसे वो वाले सूख जाएंगे ना, तो इनको पलट दूंगी उसमें मसालों को, और इन्हें भी साफ़ कर लूँगी, तो एक साथ मतलब साफ़ हो के रख जाएंगे। अच्छा लगता है हमारी किचन में ना, कोई भी चीज़ गंदी नहीं होनी चाहिए, तो मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। आज मैंने बहुत सारा काम किया क्योंकि बालों में लगी हुई थी मेहंदी, तो मुझे टाइम पास कर, और ये ना मेरे को बहुत परेशान कर रही है आज, मुंह बना बना के हंसी दिला रही है मुझे कि देखो बैठी हुई है चेयर पे, तो ये अपना काम करती रहेगी कुछ ना कुछ, मतलब मुझे हंसाने के लिए इसका यही तरीका होता है, मुंह बनाती रहती है। अब आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ना एक बार कैसा मुंह बना रही है देखो देखो ऐसे बैठी बैठी ना मेरे को हंसा रही थी वहां से। तो ये काम होता है इसका, क्योंकि ये खाने के लिए बैठी है, खाना खाने के लिए, और यहाँ पे ना मेज पे ही बैठती है ये, इधर अपनी सीट बना रखी है, और पता है इस पैसे ना हिल नहीं सकती अगर प्रांशु बोलेगा ना कि मुझे यहाँ पे खाना है तो ये उठेगी नहीं, प्रांशु को कहीं भी बिठा देगी लेकिन खुद नहीं उठेगी ये। चलो और यहाँ पर बनाने लग गई हूँ मैं खाना, और खाना बनाने लग गई हूँ तो प्रिया तो हो गई है शांत, तो अब हो गया है प्रांशु शुरू, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये वीडियो में आवाज़ नहीं जाएगी, तो बस यही पूछ रहा था बार बार, मम्मी मेरी आवाज़ तो नहीं डाल दोगी मेरी आवाज़ तो नहीं डाल दोगी, मैंने कहा नहीं डालूंगी चल, तो वो वही वही मतलब गाना सुना रहा है अभी मुझे इस समय ना, गाना सुना रहा था। तो बच्चे ना बोर नहीं होने देते कभी भी, बच्चे अगर हैं किचन में तो वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, और वही उसी से बातें कर रही थी मैं ज़्यादा, मैंने कहा तू ज़्यादा नए नए तरीके के गाने मत सुना तो ना उसको यही बोल रहा था बस बार बार ना कि मम्मी तुम वो आवाज़ मत डाल देना मेरी, तो मैंने कहा चल ठीक है नहीं डालूंगी। और उधर ना आज मैंने दही भी जमाया था जो सामने रखा हुआ है ना जंगले पे, तो वो मैं मतलब आज निकाला, मैंने एक कटोरी दही निकाल के देखा तो बहुत अच्छा दही बना है, तो मैंने प्लेट लगाई थी तो उसके लिए मैंने दही निकाला, तो आज ताज़ी दही था, तो मैंने कहा चलो ले लो कोई नहीं बच्चों को ना। और देखो यहाँ पर मेरी प्लेट लग के तैयार हो चुकी है, आलू टमाटर की सब्जी है और दही है साथ में, और चावल हैं रोटियां हैं, तो आप भी खा लीजिए। और खाना ये हो चुका है शाम का टाइम, शाम को ना प्रिया को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो इसने ना बहुत सारी तैयारी कर ली किचन में आके, क्योंकि मैंने बोला इससे गुस्सा में, मैंने कहा मैं नहीं बना के दूंगी कुछ भी, तो रोज़ रोज़ परेशान करती रहती है, तो इसने ना मतलब तैयारी करके रख दी, जैसे सब्जियां वगैरह काटती है ना वो कट करके रख दी, और इसने इसको सूजी को भी भिगो दिया था शाम के टाइम, तो इसमें मैंने मसाले डाल लिए हैं,
सब्जियां कट कर ली हैं, और मसाले तो ज़्यादा कुछ नहीं पड़ते, नमक मिर्च और थोड़ी सी ना काली मिर्च पाउडर डालती हूँ इसमें। तो यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि क्या बना रही है, तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं अप्पे, क्योंकि इसको अप्पे खाने थे। तो कुछ भी बना दो, मतलब कभी कुछ बोल रही, कभी कुछ, कभी अप्पे। मैंने कहा चल अब जो खाए वो खा ले, मैंने कहा। तो फिर मैंने अप्पे बनाए इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है, जो कि राई का तड़का ना बहुत अच्छा लगता है इसमें, और कड़ी पत्ता ना ऐसे ही कट करके डाल दिए थे मैंने इसमें। तो यहाँ पे अप्पे बनाना शुरू कर दिया है मैंने तो, और बहुत पसंद है इसको, और मतलब बहुत ज़्यादा इसको लगता है कि शाम के टाइम ना कुछ हो, क्योंकि खाना कम खाती है। खाना खाने में ना जब से थोड़ी बीमार सी हुई है ना, खाना नहीं खा के दे रही है। और फिर इस तरह की चीज़ है कि कुछ भी बना दो शाम के टाइम। अब तो पता है एक चीज़ और सीख गई है, वीडियो का बहाना ले लेती है, मम्मी आप वीडियो के लिए कुछ नहीं बना रही हो क्या, मतलब ये चीज़ और हो गई है इसकी। तो अब तो डांट भी पड़ जाती है इसको, तो आज तो खुद ही कर लिया इसने, सब्जियां वगैरह कट करके रखती, तो मैंने कहा चल मैं बना देती हूँ फिर बाद में। इतना काम कर लो तो बहुत आसानी हो जाती है फिर। तो कोई नहीं, यहाँ पे बन चुके हैं अप्पे, देखिए कितने अच्छे अप्पे बने हैं, और बहुत पसंद आए इसको, बहुत अच्छे लगे कि अप्पे बहुत अच्छे। और आज ना मैंने उसकी चटनी नहीं बनाई, नारियल की चटनी नहीं बनाई, जो चटनी कल बनी थी ना, मीठी चटनी और उसकी धनिया वाली चटनी, तो उसी से खा लेगी, बोली कि मैं उसी चटनी से खा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए अप्पे बन के तैयार हो चुके हैं, सौंठ है और धनिया की चटनी है, तो इसी से खाएगी वो मैगी, और अप्पे बन के तैयार हो चुके हैं। आप लोग भी खा लीजिए टेस्टी टेस्टी से, ये बहुत अच्छे लगते हैं ये अप्पे ना। तो देखिए अपने लिए चाय बना के लाई हूँ, और बच्चों ने कर लिया नाश्ता जैसे कि आप लोगों ने देखे अप्पे बनाए थे मैंने। और इसको ना बहुत ज़्यादा लग रही है आजकल ना, ये कुछ ना कुछ शाम के टाइम बहुत परेशान कर रही है आजकल। कैसे बने थे अप्पे, बोलेगी नहीं कुछ? बहुत अच्छे हाँ बहुत अच्छे, मैंने बनाए थे। हाँ इसने ही बनाए थे ये बोल रही है मैंने बनाए, लेकिन हाँ सब्जी इसने काटी थी, सब्जी इसने कट कर रखी, क्योंकि इसको खाने थे। मैंने कहा तू बना ले, खुद बना ले, ये ना परेशान करती है शाम के टाइम, जब भी कमरे में थोड़ा सा लेट हो ना, इसको कुछ ना कुछ खाना, खाना तो खाना नहीं है इसको, ऐसी चीज़ें खानी है। तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी, और मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, और हो सकता है कि मेरा आगे आने वाला वीडियो कहीं और का आए, तो आप लोग ज़रूर देखना आने वाला वीडियो मेरा। और चलिए तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी, और मिलूँगी आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो न्यू मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट ज़रूर करा करिए, और लाइक लाइक तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फिर, बाय बाय।